नमस्कार दोस्तों, प्री बीएसटीसी 2017 राजस्थान जीके आंसर की आज प्री बीएसटीसी के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसकी मैं आंसर की आपको बताने जा रहा हूँ। और उससे पहले यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन से आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगा। तो चलो दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उसमें एक ही क्वेश्चन था कि वेणेश्वर नाथ रेऊ के अनुसार मारवाड़ का भूला हुआ नायक कौन था, जिसका उत्तर है चंद्रसेन। अगला क्वेश्चन था बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है, तो बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है, इसका उत्तर है किशनगढ़ शैली। अगला क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन कौन से हैं, जिसके संबंध में सही उत्तर है जैसलमेर और बाड़मेर। इन दो जिलों का जनसंख्या वृद्धि दर 30% से अधिक रही। अगला क्वेश्चन था कि बेरी क्या है। बेरी यह पश्चिमी राजस्थान में एक कुएं का रूप है जो कि अंदर से पूरा ईंटों और पत्थरों से तैयार किया जाता है, जिसे बेरी कहते हैं। अंता विद्युत शक्ति केंद्र किस पर आधारित है, तो अंता विद्युत शक्ति केंद्र गैस पर आधारित है। सुनहरी कोठी पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है, तो सुनहरी कोठी पर्यटन स्थल टोंक जिले में स्थित है। और इस क्वेश्चन में हमें सही युग्म बताना था। इसमें मगरा नस्ल भेड़ की, मारवाड़ी नस्ल भी भेड़ की है, और मारवाड़ी नस्ल बकरी की भी है, और मालवी नस्ल गाय की, यानी कि ये चारों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन था दुर्ग जो सोनार गढ़ के नाम से जाना जाता है, तो उसका उत्तर है जैसलमेर दुर्ग। मीरा ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए, जिसका सही उत्तर है द्वारिका। शेखावटी क्षेत्र में गीदड़ नृत्य सामान्यतः किस त्यौहार के अवसर पर किया जाता है, जिसका सही उत्तर है होली। थेवा कला किस स्थान की प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर है प्रतापगढ़। और अगला क्वेश्चन है अलगोजा क्या है, इसका सही उत्तर है वाद्य यंत्र। एक क्वेश्चन था कोटा बूंदी बारा और झालावाड़ का क्षेत्र क्या कहलाता है, इसका सही उत्तर है हाड़ौती क्षेत्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जल दुर्ग कौन सा है, जिसका सही उत्तर है गागरोन दुर्ग। और ये क्वेश्चन जो कि दोबारा रिपीट हो गया है, पहले क्वेश्चन में पूछा था वी एन रेऊ और इस क्वेश्चन में इस बार पूछ लिया उन्होंने बी एन रेऊ। बी एन रेऊ के अनुसार राजपूताना का भूला हुआ नायक कौन था, ऑप्शन चेंज है लेकिन उत्तर वही राव चंद्रसेन। अगला क्वेश्चन है राज प्रशस्ति किस स्थान पर स्थापित है, तो सही उत्तर है राजसमंद झील। 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य कौन सी संधि हुई, इसका सही उत्तर है पुरंदर की संधि। अगला क्वेश्चन है कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है, इसका सही उत्तर है लच्छीराम। और ये अगला क्वेश्चन किन सूबों को मानसिंह को अकबर ने किन सूबों में सूबेदार नियुक्त किया था, जिसका सही उत्तर है बिहार और बंगाल। इसमें एक विवादित चीज़ ये आ जाती है उत्तर और पश्चिम, इसमें सूबे नहीं दे रखे, केवल उत्तर पश्चिम दे रखा है, लेकिन अकबर ने मानसिंह को अंतिम समय में अफगान की तरफ सूबेदार बनाया था, तो यहाँ पर ये थोड़ी विवादित स्थिति है, इसका उत्तर अभी क्लियर नहीं कहा जा सकता है। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, सुमित्रा सिंह। यूनेस्को ने 2013 में राजस्थान की कितने दुर्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया, जिसका सही उत्तर है 6। अगला क्वेश्चन है जंतर मंतर जयपुर को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया, जिसका उत्तर है 2010। राजस्थान में छोटी तीज कब मनाई जाती है, इसका सही उत्तर है श्रावण शुक्ल तीज। अगला क्वेश्चन है टोटी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, इसका सही उत्तर है कान।
अगला क्वेश्चन है, सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को पराजित किया? जिसका सही उत्तर है बयाना। राजस्थान में बागोली सराय और पचलंगी क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? बागोली सराय और पचलंगी झुंझुनू जिले में स्थित है, जो कि तांबा खनिज के लिए फेमस है। दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हुई थी उज्जैन में। शिशुपाल वध के लेखक माघ कवि किस इतिहासवेत्ता को चित्तौड़ की पद्मिनी की कथा है उसकी ऐतिहासिकता पर संदेह है? इसका सही उत्तर है के आर कानूनगो। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालौर का शासक कौन था? इसका सही उत्तर है कानड़देव। किस स्थान पर 1734 में मराठों को खदेड़ने के लिए राजस्थान के शासकों की मंत्रणा हुई? इसका सही उत्तर है होरड़ा। मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष हुआ? इसका सही उत्तर है 1913। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? यहाँ पर ये साथियों क्वेश्चन ऐसा है जो कि हर किसी को थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। हम सभी जानते हैं कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिकलाल वर्मा के नेतृत्व में हुई थी, लेकिन इसका जो प्रथम अध्यक्ष था वो बलवंत सिंह मेहता थे। लटकन आभूषण कहाँ पहना जाता है? जो कि नाक और कान के मध्य पहना जाता है। डाबड़ा कांड किस वर्ष हुआ? डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947 को हुआ। 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई? तो मगाराम वेद ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की थी। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तिथि को आया था वो तिथि है 1 नवंबर 1956। मोहन चितौरा का संबंध किस शैली से है? इसका सही उत्तर है बूंदी शैली। महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया? इसका सही उत्तर है चावंड। एक ही क्वेश्चन पूछा गया था कि खरीता पत्र क्या है? खरीता एक ऐसा पत्र है जो जिसमें एक शासक द्वारा दूसरे शासक को यह पत्र लिखा जाता है, जिसे खरीता पत्र कहा गया है। सवाई जयसिंह ने कितने स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण कराया? इसका सही उत्तर है 5। एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसका सही उत्तर है मोतीलाल तेजावत। मंडोर के प्रतिहार अपने वंश का प्रारंभ किससे मानते हैं? मंडोर के प्रतिहार हरिश्चंद्र को अपना आदि पुरुष मानते हैं। पृथ्वीराज विजय कृति के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय के लेखक है जयानक और पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद्रबरदाई। जाम्बो जी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी कहलाए। जाम्बो जी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी कहलाए बिश्नोई, बीस नोई बिश्नोई। मुगल सम्राट अकबर से वैवाहिक संबंध करने वाला राजस्थान का प्रथम राजपूत कुल कछवाहा वंश जयपुर। घोसुंडी शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? यानी कि घोसुंडी शिलालेख जो कि चित्तौड़ में स्थित है वो ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। सिंहथल में राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर है हरिराम दास। और यहाँ पर 50वां और अंतिम राजस्थान जी के का जो क्वेश्चन था वो था असुमिलित को बताना था, जिसमें एक ऑप्शन अ है धानेरा पाली, ऑप्शन बी है गिलुंड अजमेर, ऑप्शन सी बालाथल उदयपुर और ऑप्शन डी गणेश्वर सीकर, जिसमें धानेरा या धनेरी वो पाली में स्थित है, बालाथल उदयपुर में स्थित है, गणेश्वर सीकर में स्थित है, लेकिन गिलुंड है वो अजमेर में स्थित न होकर राजसमंद जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये प्री BSTC 2017 का राजस्थान जीके का पेपर था, उसको आंसर की के साथ मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों आप अपने कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और इस वीडियो को आप लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और राजस्थान जीके के अलावा मैथमेटिक्स के जो सिंपल तरीके हैं वो, और भारत जीके और भारत का इतिहास, भारत का भूगोल से संबंधित भी
जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में भेजता रहूँगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और एक बार फिर, यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।